लोकसभा चुनाव के रण में आपको बता दें कि पाली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी लाल सिंह देवासी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो चलिए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। लाल सिंह देवासी जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, ऐसे में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप सुलझाना चाहते हैं और समस्याओं को हल करना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। यहाँ पे हमने जो पूरे 8 विधानसभाओं की मैंने विजिट की है, 8 विधानसभाओं में जो हम लोग गए हैं, वहाँ पे मेन मुद्दा यहाँ पे ये है पानी का। ओके, पानी का मुद्दा ये है कि हर जगह पे महिलाएं मुझे रोक रही हैं, लोगों के लोग मुझे रोक रहे हैं और एक ही चीज मांग रहे हैं कि हमें पानी दीजिए। 77 साल के बाद भी हम लोग पानी से पानी मांग रहे हैं, दूसरे स्टेट ग्रोथ मांग रहे हैं, इंडस्ट्री मांग रहे हैं, आईटी में बढ़ रहे हैं और हम लोग पानी तक सिमट के रह गए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे पानी है। दूसरा, जनप्रतिनिधि जनता से बात नहीं करते हैं, लोगों के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं। हर एक गाँव में ये कंप्लेन हो रही है कि एक बार चुनाव होने के बाद, वोट लेने के बाद, इवन वोट लेने भी नहीं जाते हैं। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब बात है। ओके, कि वोट लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जनता वहां पे जाएगा और जनता उनसे सवाल पूछेगी और वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात यह है एजुकेशन में, जहाँ स्कूल्स में मैं बहुत सारे स्कूल मैंने विजिट किया, स्कूल्स में पूरे टीचर नहीं है, साइंस की क्लास में साइंस के टीचर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं लोगों को? ओके, और इन स्कूल में गरीब जाते हैं, मध्यम क्लास के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे जाते हैं और पशुपालकों के बच्चे जाते हैं, लेकिन स्कूली सिस्टम बिल्कुल तहस नहस है। ड्रॉप आउट्स ज़्यादा है, हाइएस्ट ड्रॉप आउट्स ओके पूरे कंट्री में, गर्ल्स एजुकेशन लोवेस्ट। तो ये सारी समस्याएं, हॉस्पिटल्स में पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी है पूरे मारवाड़ क्षेत्र में। लोगों ने आशा छोड़ दी है कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा, इसलिए वो लोग अपना घर छोड़ के, घर ड्रॉप आउट्स होते हैं, पहले पूरे पढ़ते नहीं हैं और ड्रॉप आउट्स हो के साउथ के स्टेट में जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। पलायन की जबरदस्त समस्या है, आप देखेंगे घर के घर बंद पड़े हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, पत्नी और बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं की। ये सारी समस्या यहाँ पे है। पशुपालकों की समस्या, अधिकतर पशुपालक माइग्रेंट है जो दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन माइग्रेंट पशुपालक जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो रास्ते में उनकी भेड़े चोरी हो जाती हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनको राशन भी नहीं मिलता है, दूसरा स्टेट बोलता है आप तो यहाँ के निवासी नहीं है, राजस्थान के निवासी हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? उनकी कौन मांग उठाएगा? भेड़ की ऊन फेंक दी जाती है और दूसरी तरफ हम लोग इम्पोर्ट करते हैं भेड़ की ऊन, और इधर जीरो प्राइस कटवाने के लिए भी उनको प्राइस देनी पड़ती है। ये पशुपालकों की समस्या है। किसान, आज किसान की हालत यह है, किसान बोल रहा अपने बेटे से किसान मत बनना, एक डॉक्टर बोल रहा है डॉक्टर बनना अपने बेटे से, इंजीनियर बोल रहा है इंजीनियर बनना, बैंकर बोल रहा है बैंकर बनना, किसान बोल रहा है किसान मत बनना। क्यों? क्योंकि किसान मैं इसलिए हूँ कि मैं जमीन बचानी है, किसानी में कोई फायदा नहीं है। ये सारी समस्याएं इस पूरे एरिया में है और इसी के लिए मुझे बड़ा दुख होता है जब भी मैं कैंपेन करके शाम को आता हूँ, इन लोगों ने क्या किया अपने स्टेट का, अपना राजस्थान कैसा बना दिया इन लोगों ने, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कोई संवाद नहीं है। जी लाल सिंह देवासी जी, आप धरातल से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पूरे रण में आपके सामने बीजेपी से पीपी चौधरी और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल है, जिससे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है, तो इसे किस चुनौती की तरह देखते हैं आप? मिस्टर पीपी चौधरी जो यहाँ के सांसद हैं, लोगों से मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं। इतने सारे गाँव में मैं गया, हर गाँव में कंप्लेन,
कि सांसद महोदय 10 साल में कभी आए नहीं, रोड टूटे पड़े हैं, कोई देख नहीं रहा है उनका, लोगों से संवाद कम्युनिकेशन, अरे लोगों से बात तो करो, समस्या का हल होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, आप बात तो करिए, लोगों से मिलिए तो सरे, घर में क्यों बंद बैठे हैं? आप देखिए उनसे कोई भीड़ नहीं आ रही है, भीड़ जुटाने के लिए कभी सीएम को लेके आते हैं, कभी होम मिनिस्टर को लेके आते हैं, कभी किसी एक्टर को लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि जनता ने इंटरेस्ट खो दिया है, जनता के पास जा ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। अरे जनता के प्रतिनिधि, अभी यहाँ पे ये हो गया, जनता को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि जनता की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत ही गलत बात है ये। जनता सब जगह पे कंप्लेन कर रही है, मैं बोलना चाहता हूँ जनता के पास जाइए, अरे कंप्लेन सुनिए उनकी, उनको उनको समस्याओं का हल कीजिए। लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू में देख के आया हूँ, पानी के लिए रो रहे हैं, रोजगार के लिए रो रहे हैं, उनकी सड़कों के लिए रो रहे हैं। जो जो गांव ओशिया में, मैं ऐसे ऐसे गांवों में गया हूं जिसमें आजादी के बाद एक भी नेता नहीं गया, एक भी नेता नहीं गया, क्योंकि नेताओं को जनता की पड़ी नहीं है, जनता सेलेक्ट जो, इसीलिए देखिए आप 50% वो जो मतदान रह गया, क्यों रह गया? लोगों को निराशा आ गई है कि नहीं इस वोटिंग से कोई मतलब नहीं है, वोट दें या ना दें कोई फर्क नहीं है, ये तो हमारा विकास करने वाला नहीं है, ये अपने राजस्थान के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। जी जी लाल सिंह देवासी जी, धरातल से जुड़े मुद्दे आप उठाना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के